नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस पर अपराधियों ने घात लगाकर हमला किया, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इस जघन्य हत्याकांड के बाद उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में हड़कंप मच गया। कानपुर में एक हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस पर बदमाशों ने गोलियां बरसा दी। इसमें एक क्षेत्राधिकारी यानी डिप्टी एसपी समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। हमले में 7 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में पुलिस ने बिकरू गांव में दबिश दी थी। पुलिस यहां हिस्ट्री शीटर विकास दुबे को पकड़ने गई थी। विकास के खिलाफ 60 केस दर्ज हैं। पुलिस पर हुए इस हमले में बिल्लौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा, शिवराजपुर के एसओ महेश यादव, अनूप कुमार चौकी इंचार्ज मंधना, नेमूलाल सब इंस्पेक्टर शिवराजपुर, सुल्तान सिंह कांस्टेबल थाना चौबेपुर, राहुल कांस्टेबल बिठूर, जितेंद्र कांस्टेबल बिठूर, बबलू कांस्टेबल बिठूर शहीद हो गए। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के डीजीपी एससी अवस्थी के मुताबिक विकास दुबे के खिलाफ कुछ दिन पहले हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। पुलिस विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई थी। जैसे ही फोर्स गांव के बाहर पहुंची तो वहां जेसीबी लगा दी गई। इस वजह से फोर्स की गाड़ी गांव के अंदर नहीं जा सकी। डीजीपी एससी अवस्थी ने बताया कि गाड़ी अंदर नहीं जाने के कारण पुलिसकर्मी गांव के बाहर ही उतरे। आपको मालूम है कि एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसमें ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस अधिकारी और पुलिस के कांस्टेबल्स और पुलिस के सब इंस्पेक्टर्स के ऊपर ये कायराना हमला अपराधी तत्वों द्वारा किया गया है, और हमला करने के बाद वो भागे हैं। ये यहाँ पर जो हमारी पार्टी आई थी उसको साजिश के तहत, जैसा आपने देखा है, एक मशीन खड़ी है, अर्थ मूवर मशीन खड़ी हुई है, जिसके तहत उसका रास्ता रोका गया और उनके नीचे आ जाने पर उनके ऊपर अंधेरे का फायदा उठा करके हमला किया गया है। ये जो भी घटना हुई है ये बिना सोची समझी साजिश के नहीं हुई है। पुलिस की टीम अपना दायित्व निर्वहन करने के लिए यहाँ आई थी, उनके ऊपर हमला किया गया है, और जो हमने लखनऊ से फॉरेंसिक टीम भेजी है और जो यहाँ के एडीजी साहब ने यहाँ की लोकल फॉरेंसिक टीम भेजी है, जो एसटीएफ को दायित्व दिया गया है, ये सारे इसी सब चीज़ को देखते हुए, प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए और ये देखते हुए कि इतनी प्लानिंग कैसे हुई, किसने की और कौन इसके पीछे है, इस सब चीज़ों को अनरेवल करने के लिए, इसका रहस्य उद्घाटन करने के लिए और जो लोग इसमें शामिल रहे हैं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई हो सके, उनका आइडेंटिफिकेशन हो सके, उनके विरुद्ध वो सारे साक्ष्य जमा किए जा सकें जो यहाँ पर उपलब्ध होंगे और लिए जा रहे हैं, और जैसा मुझे डीजी साहब ने बताया है ऑलरेडी टीम के द्वारा यहाँ से कलेक्ट करे जा चुके हैं, उस सब का विश्लेषण करके, तफ्तीश का उसको हिस्सा बना करके, तब ये पूरी बात क्लियर हो पाएगी। आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और तफ्तीश जारी है, पुलिस का कार्रवाई भी हो रही है। मुझे बताया गया है कि 2 अपराधी पुलिस मुठभेड़ में मारे भी गए हैं और टीमें अभी भी कार्यरत हैं, बॉर्डर सील हैं और एसएसपी जो हैं कई टीम्स का सुपरविजन कर रहे हैं और बराबर सवेरे से ऑपरेशन हो रहे हैं। तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से भी जवाबी फायरिंग की गई। बदमाश ऊंचाई पर थे, इस वजह से पुलिसकर्मियों को गोलियां लगी, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कानपुर में कर्तव्य पालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले 8 पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। पुलिसकर्मियों की शहादत को शत शत नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने इनके शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक को इस दुर्दांत घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ नीरज मिश्रा, न्यूज इंडिया, लखनऊ। अब आपको बताते हैं कौन है विकास दुबे। विकास दुबे पर 60 मुकदमे दर्ज हैं, फिर भी वो जेल की सलाखों से बाहर था। इसने कानपुर में ऐसा जघन्य हत्याकांड अंजाम देकर पूरी योगी सरकार को हिला दिया है।
सियासी बेल पकड़कर यह अपराधी जरायम की दुनिया की सीढ़ियां चढ़ता चला गया। कानपुर देहात में बिकरू गांव के एक साधारण किसान परिवार में जन्मे विकास दुबे के माफिया बनने की कहानी भी राजनीति के अपराधीकरण की ही देन है। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों और पुलिस के बड़े बड़े अफसरों की सरपरस्ती का ही नतीजा है कि आज विकास दुबे आतंक का पर्याय बन बैठा। विकास के आपराधिक कैरियर की शुरुआत 1990 से हुई, तब विकास की मदद पूर्व विधायक नेकचंद पांडे ने की। विकास दुबे, फिलहाल ये नाम उत्तर प्रदेश में किसी पहचान का मोहताज नहीं है। विकास दुबे ने 8 जाबांज पुलिस कर्मियों को शहादत दी है। आखिर कौन है ये विकास दुबे? विकास दुबे सिर्फ जमीनों पर कब्जे करने और मारपीट के लिए जाना जाता था। कानपुर देहात में इसकी यही एक पहचान थी। फिर विकास दुबे ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए अपने गांव से सटे दिब्बा निवादा गांव में पिछड़ों को मारा और जमकर मारा और वहीं से अगड़ों की सियासत का मोहरा साबित हुआ विकास दुबे। दरअसल इस गांव में पिछड़े राजनीतिक हनक के तौर पे जाने जाते थे और ब्राह्मणों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद उनका सियासी रसूख कम था। बस यहीं से जातिवाद की राजनीति का मोहरा विकास दुबे बना, जिसके बाद विकास दुबे का रसूख इतना बड़ा कि राजन कटियार और झुन्ना बाबा का मर्डर भी विकास दुबे के इशारों पर हुआ और कहा जाता है विकास दुबे ही इन दोनों हत्याओं में प्रमुख आरोपी था। लेकिन विकास दुबे दोनों ही हत्याओं में आरोपी तो करार दिया गया, लेकिन पकड़ा नहीं गया और कोई भी विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं हुआ। विकास दुबे लगातार जमीनें कब्जाता रहा और करोड़ों की जमीनों के खेल में विकास दुबे के सामने जो भी आया उसको मुंह की खानी पड़ी और उसकी हत्याएं तक हुई। कुछ समय के बाद विकास बीजेपी नेता हरिकृष्ण श्रीवास्तव के हाथों की कठपुतली बन गया। सांसद श्याम बिहारी मिश्रा के संपर्क में भी विकास आया था। श्याम बिहारी 96 में बसपा में गए तो विकास भी बसपा का सदस्य बन बैठा। बस यहीं से कुख्यात अपराधी विकास दुबे जरायम की दुनिया का सितारा बनकर उभरा। 11 नवंबर 2001 को विकास ने कानपुर के थाना शिवली के अंदर घुसकर संतोष शुक्ला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अपने आतंक और सियासी रसूख के बूते विकास जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी भी हथियाने में कामयाब हो गया। 3 गांव में उसने अपने घर वालों को प्रधान बनवा दिया। जरायम की दुनिया में कदम रखने के बाद हिस्ट्री शीटर विकास दुबे लगातार सियासी रसूख का इस्तेमाल कर खादी पहनने लगा। विकास ने अपने सियासी रिश्तों के बलबूते जिला पंचायत सदस्य की कुर्सी हथियाई और तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेम लता कटियार के बेटे को भी जिला पंचायत सदस्य बनवाया। प्रेम लता कटियार का सीधा हाथ विकास दुबे के ऊपर था। हालांकि श्रीमती कटियार अपने रिश्तों से इनकार करती रहीं, लेकिन विकास दुबे का सियासी रसूख ऐसे ही मंत्रियों नेताओं के भरोसे आगे बढ़ता रहा। विकास दुबे ने अपने परिजनों को भी कई गांवों में प्रधानी के पद पर पहुंचाया और लगातार विकास दुबे सियासी जगत में अपनी महत्वाकांक्षाओं के बूते आगे बढ़ता रहा। विकास दुबे ने पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की सरेआम हत्या की, लेकिन कोई भी उसके खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं हुआ। विकास दुबे हरिकृष्ण श्रीवास्तव के हाथों की कठपुतली बना था और तभी संतोष शुक्ला की हत्या हुई थी। संतोष शुक्ला की हत्या के बाद संतोष शुक्ला का चुनाव संभालने वाले लल्लन के साथ भी विकास दुबे का टकराव हुआ और लल्लन के भाइयों पर विकास दुबे ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इसके बावजूद कानपुर में विकास दुबे के खिलाफ किसी भी पुलिस अफसर ने कोई कार्रवाई नहीं की और जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह कानपुर और कानपुर देहात में विकास दुबे बन बैठा।
बसपा सरकार आते ही विकास ने आत्मसमर्पण कर दिया। विकास तो खुल्लम खुल्ला यहाँ तक कहता था कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री मायावती उससे कभी नाराज नहीं हो सकती। बसपा, भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी उत्तर प्रदेश की चारों प्रमुख पार्टियों के कद्दावर नेताओं से दुर्दांत अपराधी विकास दुबे की गहरी नजदीकियां रही हैं। एसटीएफ ने कानपुर में बीजेपी के तत्कालीन दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने के अंदर सनसनीखेज हत्या करने के आरोपी विकास दुबे को 2017 में लखनऊ से गिरफ्तार किया था, लेकिन वो फिर जेल से बाहर आ गया। नतीजतन आज यूपी पुलिस को अपने 8 जाबाज जवानों को खो देना पड़ा। सियासत ने ही उत्तर प्रदेश में ऐसे दुर्दांत अपराधियों को हमेशा पैदा किया है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा और विधान परिषद में भी तमाम ऐसे नेता बैठते हैं जिनके ऊपर दर्जनों आपराधिक मुकदमे लदे हैं। राजनीति से आपराधिकरण का खात्मा करने के लिए राजनीतिक दल कभी गंभीर नहीं होते। शीर्ष न्यायपालिका तमाम तरह के आदेश जारी करती है, तमाम तरह की रिपोर्ट्स आती हैं कि ऐसे नेताओं के ऊपर इतने गंभीर अपराध हैं, फिर भी अपराधी जेल से चुनाव जीतते हैं। उसका साक्षात प्रमाण विकास दुबे है, जो एक महज छोटा सा बदमाश था, जमीनों पर कब्जे करता था, तयबाजारी के ठेके वसूलता था, और आज जराइम की दुनिया में वो नाम बन गया है जिसे बड़े बड़े पुलिस अफसर भी खौफ खाते हैं। खौफ का आलम यह था कि कोरोना काल में लॉकडाउन झेल रही कंपनियां अपने कर्मचारियों की छटनी तक उससे पूछ कर करती थीं। कानपुर की एक बड़ी कंपनी ने जब अपने कर्मचारियों की छटनी की योजना बनाई तो बाकायदा कई कर्मचारी विकास दुबे के पास पहुंचे और कंपनी के अफसरों की शिकायत की। विकास दुबे ने कंपनी के अफसरों को लताड़ लगाई और एक भी कर्मचारी उस कंपनी से निकाला नहीं जा सका। ये वाक्या ये दिखाता है कि ना सिर्फ सरकारी तंत्र बल्कि निजी क्षेत्र में भी ऐसे अपराधियों की तूती बोलती थी। फिलहाल विकास दुबे कहाँ है ये तो वही सफेदपोश नेता बता सकते हैं जिनका हाथ और दामन थाम कर जराइम की दुनिया में विकास दुबे ने प्रवेश किया है। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। कानपुर के बिकरू गांव में हुए पुलिस हत्याकांड के बाद प्रदेश में सियासत का दौर भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला है। कानपुर में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या को जिस प्रकार से शातिर अपराधी विकास दुबे ने अंजाम दिया है, उसके बाद से ये हत्याकांड पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है। सिर्फ यही नहीं, योगी आदित्यनाथ सरकार भी विपक्ष के निशाने पर आ गई है। समाजवादी पार्टी ने ताबड़तोड़ कई ट्वीट किए हैं जिसमें योगी सरकार को रोगी सरकार बताया है और साथ ही उत्तर प्रदेश को हत्या प्रदेश भी करार दिया है। योगी राज में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहाँ दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेर कर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, बड़ी संख्या में घायल हैं और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए हैं। योगी जी आंखें खोलिए, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, उनको सजा दीजिए और जो बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि। और समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इन शहीद पुलिस कर्मियों का बदला 24 घंटे में सरकार ले। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय अवस्थी उर्फ लल्लू ने भी प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है और योगी सरकार को अपराधियों के नियंत्रण में पूरी तरह फेल करार दिया है। बसपा के निशाने पर भी यूपी सरकार है। फिलहाल विपक्ष इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरने की कवायद में जुटा हुआ है। मुझे नहीं याद पड़ता कि पिछले कई वर्षों में इतनी बड़ी क्षति उत्तर प्रदेश पुलिस को पहुंची हो किसी भी मुठभेड़ में, जहां पे 8 जवान जिसमें एक सीओ रैंक के ऑफिसर भी शामिल हैं उनकी शहादत हुई हो।
आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करती है, उन परिवारों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी अपील करती है उत्तर प्रदेश की सरकार से कि कर्तव्य परायणता के प्रति इन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, इनके परिवारों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंशन मिलनी चाहिए, 2-2 करोड़ रुपए की धनराशि मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जो 5 हमारे जवान जिन घायल हैं उनका सर्वोच्च इलाज कराना चाहिए। मैं विश्वास दिलाना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की ओर से, हम पूरी तरह से पुलिस के उन साथियों के साथ खड़े। वहीं दूसरी तरफ दबाव बढ़ने के बाद लखनऊ में माफिया विकास दुबे के घर पर योगी की पुलिस ने जबरदस्त छापेमारी की है और दरवाजे तोड़कर अलमारियों की तलाशी भी ली है। फिलहाल यहां पर विकास दुबे नहीं मिला। इसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे अपने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ कानपुर पहुंचे और बहादुर शहीद जवानों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। फिलहाल पूरा उत्तर प्रदेश जवानों को नमन कर रहा है जिन्होंने इतनी बड़ी शहादत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर में साफ तौर पर अपराधियों को खुली चुनौती दी और कहा हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। पुलिस टीमें लगातार जुटी हैं और जो भी इस हत्याकांड का जिम्मेदार है उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री रीजेंसी अस्पताल भी पहुंचे जहां घायल पुलिसकर्मी भर्ती हैं। उन्होंने घायल पुलिसकर्मियों का हाल लिया और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को भी सांत्वना दी। यूपी के मुखिया का कानपुर पहुंचना कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को एक संबल प्रदान करेगा। वहीं डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भी घायलों का हाल जाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि यूपी की पुलिस लगातार अभियान छेड़ रही है और भूमाफिया अपराधियों को उत्तर प्रदेश में कतई बख्शा नहीं जाएगा। वक्त है एक ब्रेक का। यूपी में शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा हो रहा है। एसटीएफ की जांच के दायरे में तकरीबन 1,00,000 शिक्षक आए हैं। एसटीएफ के बड़े अफसरों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में करीब 20% फर्जी शिक्षक फिलहाल सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं। 2 साल पहले भी एक रिपोर्ट सौंपी गई थी। न्यूज इंडिया ने एक दिन पहले ही खुलासा किया था किस प्रकार से एसटीएफ और एसआईटी की जांच में उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षकों का न सिर्फ खेल पूरी तरह से बेनकाब हो रहा है बल्कि 1,000 करोड़ से बड़ी रकम इन फर्जी शिक्षकों से उत्तर प्रदेश शासन ने वसूल करने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल एसटीएफ की जांच में जो चौंकाने वाला खुलासा हुआ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 1,00,000 शिक्षक एसटीएफ की जांच के दायरे में आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, एसटीएफ ने ये माना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सरकारी शिक्षक कार्यरत हैं उसमें से 20% फर्जी हो सकते हैं। इतना बड़ा आंकड़ा वाकई हैरान करने वाला है। साथ ही न्यूज इंडिया आपको ये भी बताना चाहेगा कि यूपी एसटीएफ ने तकरीबन 2 साल पहले ही उत्तर प्रदेश शासन को जो रिपोर्ट सौंपी थी वो वाकई हैरान करने वाली थी। मथुरा में फर्जी शिक्षकों की जांच के दौरान ये पाया था एसटीएफ ने कि तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो पैन कार्ड बदल कर और फर्जी दस्तावेजों से उत्तर प्रदेश में नौकरी कर रहे हैं और ये रिपोर्ट सौंपी थी और जांच की जरूरत बताई थी। लेकिन 2 साल तक शासन में बैठे बड़े अफसर इस पूरी कवायद को फाइलों में ही दबाए रखे थे और जब अब गर्दन फंसी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हुए तो जांच के आदेश दिए गए हैं। यूपीएसटीएफ को तकरीबन 3500 ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं जिन्होंने अपने पैन नंबरों में गड़बड़ियां की हैं और दूसरे के पैन नंबरों पर काम कर रहे थे। लेकिन यूपीएसटीएफ से जुड़े बड़े अफसरों का कहना है कि फिलहाल 4,00,000
शिक्षकों के दस्तावेज जांच एजेंसी किस प्रकार से जांचेगी, ये एक बड़ी मुश्किल है। फिलहाल यूपीएसटी अपने बेसिक शिक्षा महकमे से उनकी वेबसाइट्स और तमाम दस्तावेजों का लिंक मांगा है जहां पर ये पूरे दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते थे, लेकिन यूपीएसटीएफ के एक बड़े अफसर ने साफ तौर पे कह दिया है कि प्रदेश सरकार में करीब 20% शिक्षक अगर फर्जी पाए जाते हैं तो इतने सारे शिक्षकों से वसूली कैसे सुनिश्चित होगी, ये भी देखना लाजमी होगा। फिलहाल बीते कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से शिक्षक भर्ती में घोटाला निकल करके सामने आ रहा है, उसमें यूपीएसटीएफ के अफसरों ने यह भी कहा कि इस पूरे घोटाले में कई बड़े अफसर और बाबुओं का वो संगठित रैकेट शामिल है जो परीक्षाओं को आउट करने से लेके शिक्षकों की भर्ती कराने तक करोड़ों रुपए की वसूली भी करता है। फिलहाल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने एसटीएफ को सख्ती से जांच करने के आदेश दिए हैं। आने वाले समय में एसटीएफ की जांच किस मोड़ पर पहुंचेगी, ये भी न्यूज इंडिया आपको समय समय पर बताता रहेगा। कैमरामैन पीसी चौधरी के साथ मनीष श्रीवास्तव, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की फर्जी डिग्रियों को लेकर अब योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाना शुरू कर दिया है। 342 लोगों को मानव संपदा पोर्टल के जरिए चिन्हित किया गया है। इसके अलावा फर्जी डिग्री से नौकरी कर रहे शिक्षकों पर भी अब योगी सरकार ने शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश में फर्जी शिक्षक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर योगी सरकार भी अब सख्त हो गई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में बीएड के फर्जी डिग्री के बूते नौकरी पाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के फर्जी बीएड डिग्रियों के आधार पर परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक बनने में कामयाब रहे 342 लोगों को मानव संपदा पोर्टल पर चिन्हित कर लिया गया है। बेसिक शिक्षा निर्देश ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने जिले में कार्यरत चिन्हित अध्यापकों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें और इसकी रिपोर्ट उन्हें 7 जुलाई तक भेज दें। आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में बीएड सत्र 2004 और 2005 के दौरान बड़े पैमानों पर फर्जी अंक पत्र जारी किए गए थे। पुलिस के विशेष जांच दल ने इस मामले की जांच की थी। एसआईटी ने फर्जी और कूट रचित अभिलेखों के आधार पर शिक्षक बनने में कामयाब रहे 4706 अभ्यर्थियों की सूची बेसिक शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराई थी। बेसिक शिक्षा विभाग मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की सेवा संबंधी विवरण और अभिलेखों को ऑनलाइन कर रहा है। इस कवायद के दौरान मानव संपदा पोर्टल पर ऐसे 342 फर्जी शिक्षक चिन्हित किए गए जिनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल 342 लोगों को मानव संपदा पोर्टल पर चिन्हित कर लिया गया है जिनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। कैमरा पर्सन पीसी चौधरी के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़े अब चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। हर दिन कोरोना नया रूप ले रहा है, दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर योगी सरकार भी सतर्क है। बीते 24 घंटे में यूपी में कोरोना की क्या स्थिति रही, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसी सिलसिले में उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 817 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 24,000 के पार पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में 24,890 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया और इसमें 817 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। अब राज्य में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 24,472 पहुंच गया। वहीं 17 और लोगों की मौत हुई है। अभी तक कुल 735 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस ले चुका है। इस बीच नए रोगी मिलने के साथ साथ स्वस्थ होने की रफ्तार भी तेज है। बीते 24 घंटे में 593 मरीज और स्वस्थ हुए हैं। अभी तक कुल 17,221 रोगी ठीक हो चुके हैं। यूपी की रिकवरी रेट 70% है, जो कि देश में रिकवरी रेट से काफी बेहतर है। अब यूपी में संक्रमित केस 6,859 है। फिलहाल यह दूसरा मौका है जब इतने ज्यादा रोगी एक दिन में मिले हैं। इससे पहले 19 जून को 817 मरीज मिले थे। गुरुवार को कोरोना वायरस से जिन 17 लोगों की मौत हुई है, उनमें वाराणसी में 3, झांसी में 2 और बागपत, एटा, बरेली, अमरोहा, संभल, गाजीपुर, बुलंदशहर, फिरोजाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर और आगरा के एक एक व्यक्ति शामिल हैं। अभी तक प्रदेश भर में कुल
7,81,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच कराई जा चुकी है। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना का आंकड़ा चिंता का विषय जरूर है, लेकिन अगर कोरोना से जंग जीतनी है तो सावधानियां बरतनी होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सबको करना होगा। कैमरा पर्सन राज बिस्ट के साथ रागनी पांडे, न्यूज इंडिया, लखनऊ। बाराबंकी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। नगर कोतवाली पुलिस और स्वैट टीम की 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी रामू वर्मा के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में रामू वर्मा के दाहिने पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया, जबकि उसका एक साथी फरार हो गया। घायल अपराधी रामू को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी तमंचा, कारतूस और स्कूटी बरामद की गई। कुख्यात अपराधी रामू वर्मा पर लखनऊ और बाराबंकी में करीब 1.5 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। रामू वर्मा पहले असंदरा थाना क्षेत्र में अपहरण और फिरौती के मामले में जेल भी जा चुका है। जनपद बाराबंकी में भी एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में आज स्वाट प्रभारी इंस्पेक्टर कोतवाली को एक सूचना प्राप्त की कि एक इनामी अपराधी कोतवाली का है, जो अपने अन्य साथियों के साथ रात में कुछ वारदात करने वाला है। इस सूचना को विकसित करते हुए उन्होंने तत्काल मुझसे अनुमति लेते हुए कालाबंदी की पुरानी चुंगी रोड पर और एक स्कूटी पर सवार दो लोगों को आने पर शक के आधार पर जब रोका तो उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया और प्रत्युत्तर में पुलिस पार्टी द्वारा किए गए फायर में एक व्यक्ति घायल हुआ है, एक आदमी भागने में सफल रहा है। जो घायल व्यक्ति है इसका नाम रामू वर्मा है, जो दरियाबाद का रहने वाला है। इसके बारे में जो अभी तक हमारे पास जानकारी है, इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिनमें केवल जनपद बाराबंकी में बल्कि लखनऊ के भी कई थानों में फैला हुआ है। गंभीर धाराओं के अपराध इसके विरुद्ध पंजीकृत हैं। वर्ष 2007 में असंदरा में 364 ए का मुकदमा है, वहाँ से गैंगस्टर भी इसके विरुद्ध बनाया गया। इसके अलावा जनपद बाराबंकी में कोतवाली और लखनऊ में विभूती खंड, हसनगंज और गोडम्बा जैसे थानों में इसके विरुद्ध मुकदमे हैं, जिसकी अन्य जानकारी भी प्राप्त की जा रही है। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है। ज्योतिषियों का मानना है कि इस चंद्र ग्रहण का देश दुनिया पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हमारे संवाददाता दिव्यांशु ने बात की ज्योतिषाचार्य प्रेम शंकर त्रिपाठी से। नमस्कार, मैं हूं देवांशु और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिषाचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। पूरा देश इस समय कोरोना महामारी से ग्रसित है और साथ ही भारत और चीन के बीच एक विवादास्पद एक जो माहौल बना हुआ है, इससे दोनों देशों के लोग काफ़ी डरे हुए हैं। लेकिन इसी बीच 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है, जिसको देखते हुए पूरे संसार पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा आज हमारे बीच आचार्य जी बताएंगे। तो इस चंद्र ग्रहण को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या ग्रहों की दशा में कुछ बदलाव आएगा, इसका क्या असर पड़ेगा लोगों पर, बताइए आचार्य जी। जी, जनवरी से ही, जनवरी 2020 से ही राहु केतु के बीच में सारे ग्रह आकर फंस गए हैं और ये 16 जुलाई को सूर्य कर्क राशि में जाएगा, तब जाकर काल सर्प दोष जो आकाश में बना हुआ है वो समाप्त होगा। इस बीच में सूर्य ग्रहण जो 21 जून को था और 5 जून को भी चंद्र ग्रहण था, 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण है। यद्यपि भारत में चंद्र ग्रहण दृश्य नहीं है, फिर भी ग्रहों की ऐसी, ग्रहों का तारतम्य है यानी चाल है, जिससे सभी लोग प्रभावित होंगे। 5 जुलाई को सायंकाल में 8 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा, 10:30 बजे तक रहेगा, 2.5 घंटा। अमेरिका में बड़ा तबाही होगी, चीन कई खंडों में बट सकता है, ऐसा योग है। और साथ ही साथ क्योंकि उस दिन ग्रहों की जो स्थिति होगी, मिथुन राशि में राहु, बुध, सूर्य है, यानी ग्रहण योग बना हुआ है और ये योग 21 जून से बना है। दूसरा, धनु राशि में गुरु केतु प्लूटो का आ जाना, और वक्री गुरु है, वक्री प्लूटो है, धनु राशि पीड़ित हो गई। चंद्रमा उसमें 4 तारीख की मध्य रात्रि से उसमें प्रवेश करेगा और लगभग 5 तारीख पूरी रात्रि और 6 तारीख की सुबह तक चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। तो चंद्रमा गुरु केतु प्लूटो के कारण हमारे जो पूर्वोत्तर सीमाएं हैं, उत्तर सीमाएं हैं, इसमें युद्ध का होने का पूर्ण योग दिखाई पड़ रहा है।
तो आचार्य जी ने जो बात कही वो तो काफी एक तो डराने वाली है कि एक युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है आने वाले समय में ग्रहों की, ये जो चाल देखते हुए, और जो आने वाला समय जैसे कि बताया आचार्य जी ने काफी ज्यादा एक संकटमय हो सकता है। लेकिन आज अगर हम बात करें तो एक बड़ी खबर ये भी सामने आई कि हमारे जवानों से लेह मिलने पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वहां पर जो भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है इसको लेकर एक व्यापक बातचीत करी है उन्होंने देश की सेनाओं से, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना भी मौजूद थे। लेकिन जो प्रधानमंत्री पहुंचे हैं वहां पर लेह पर बॉर्डर पर, इसको भी देखते हुए एक बड़ा असर पड़ सकता है दोनों देशों के बीच में। चाइना का भी एक स्टेटमेंट आया है कि कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया ना हो दोनों देशों से कि आगे युद्ध की स्थिति बने। ऐसे में आचार्य जी आप ये बताइए कि आज प्रधानमंत्री भी लेह के दौरे पर हैं और इसको देखते हुए एक क्या एक आने वाला समय दोनों देशों की अगर हम बात करें भारत और चीन को लेकर, दोनों ही देशों के जो बड़े आर्मी के अफसर हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, तो इन दोनों देशों के बीच जो स्थितियां हैं उन पर भी क्या इस ग्रहण का असर पड़ेगा, या फिर आने वाला समय आप कैसा देख रहे हैं दोनों देशों के लिए? जी, सूर्य और चंद्रमा की जो स्थिति है, द्विस्वभाव राशि में ग्रहण योग बना हुआ है सूर्य और राहु का, उसका अर्थ ये होता है कि हम कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं। ये जो कहानी है या ये जो वाक्य है ये चीन के लिए ज़्यादा है, वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। तो जैसे चंद्रमा अतिचारी गुरु केतु के साथ में सम्मिलन करेगा, तीन यानी आज की रात्रि में 12:08 से और 6 तारीख की प्रातः 5 बजे तक ये जो काल है चंद्रमा धनु राशि में रहेगा। चंद्रमा मन का कारक होता है, यानी कहते कुछ और हैं करता कुछ और है, उसमें गुरु अतिचारी है, प्लूटो और केतु का उसके साथ योग बन रहा है, बगल में यानी मकर राशि में शनि है, तो इस कारण ऐसा संभावना अधिक बन जाती है कि युद्ध का योग बन जाता है 5 तारीख में मध्य रात्रि 1 बजे से लेकर और 3 बजे के मध्य में युद्ध होने का, चीन के तरफ से कुछ ऐसा कोई हमला हो जाए या कोई ऐसा हो जाए, ये पूर्ण योग दिखाई पड़ रहा है। चीन लगातार ऐसा काम करता आया है, आगे भी अगर हम बात करें तो अभी अचानक ही उन्होंने एक सेना की झड़प हुई जिसमें हमारे कई जवान शहीद हो गए थे, तो चीन की तरफ से लगातार हिंसात्मक गतिविधियां होती हैं जिसके बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ जाता है। लेकिन बातचीत का भी दौर चलता है जो लगातार सेनाओं को कंट्रोल में रखता है और दोनों देशों के बीच जो विवाद है उसको भी काफ़ी संयमता से कंट्रोल में रखता है। लेकिन आचार्य जी आप ये बताइए कि दोनों ही देशों के बीच इस समय स्थितियां अच्छी नहीं हैं, चीन जैसा कि आपने बताया कि आने वाले समय में आक्रमण कर सकता है क्योंकि ऐसा प्रभाव देखने को मिल रहा है, तो भारत की एक सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के लिए क्या कुछ डरने का एक संकेत है, भारत कैसे इस चीज़ को बढ़ते सावधानी कैसे बरत सकता है? भारत की जो जन्म पत्रिका है वृषभ लग्न की है और इसमें अष्टम भाव में धनु राशि जहाँ पर ग्रहण ये चंद्र ग्रहण लग रहा है और चतुर्थ भाव का स्वामी वो पीड़ित होकर भारत की द्वितीय भाव में है यानी वाणी भाव में है, तो दोनों तरफ से वार्तालाप कुछ और होगी शांति की। कारण क्या है, बुध की घर में जब सूर्य राहु होते हैं, सूर्य अग्नि तत्व है, बुध पृथ्वी तत्व है, तो पृथ्वी पर बात कुछ और होगी और आकाश में चूंकि अग्नि तत्व वायु तत्व पीड़ित हो गए हैं इसलिए युद्ध होने का ये पूर्ण योग है, हम कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, इस तरह की ये कहावत चरितार्थ होगी। तो एक बहुत ही मुश्किल दौर है आने वाले समय में ऐसा कि आचार्य जी ने बताया, और दोनों देशों की सेनाओं को संयम बरतना होगा अगर चाहते हैं कि स्थिति खराब ना हो दोनों देशों के बीच। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।